हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉल्ड द ब्रहान राव। होप आप सब लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की यम्मी सी टेस्टी सी खट्टी मीठी सब्जी। उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, मैंने हरी मिर्ची लिए 5-6 और 2-3 लहसुन की कली लिए, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया इन सब चीज़ों को, मस्टर्ड ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून, अब इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने। और उसके बाद ये हमारा अदरक लहसुन का और वो जो पेस्ट था वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। इसको अब हमारी जो प्याज और ये सारा जो पेस्ट है ये भून चुका है। अब ये मैंने टमाटर ले लिया है बिग साइज़ का, छोटा एक ही टमाटर मैंने लिया है, इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है मैंने। और इसके बाद इस पेस्ट को मैंने ये तड़के में ऐड कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें अपना जो मसाला है वो ऐड कर देती हूँ। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है, इसमें नमक डाला है मैंने, लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, और इसमें आप मेरे पास क्योंकि धनिया पाउडर नहीं था और सांभर पाउडर नहीं था वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन आप इसमें ऐड कर सकते हो धनिया पाउडर और सांभर पाउडर, इससे टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाएगा। तो वो ये मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भूनने देंगे मसाला। और मैंने जो कद्दू था छोटा साइज़ का कद्दू लिया था, तकरीबन मैंने 200 ग्राम मेरे पास कद्दू था, वो मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया था, वॉश करके मैंने कट कर लिया था, छिलके मैंने उसके नहीं उतारे थे। ये मैंने नमक डाल दिया और एक मैंने मीडियम साइज़ की मैंने कच्चा जो आम होता है रॉ मैंगो जो होता है वो मैंने कट करके ले लिया था। तो चलिए अब हमारा मसाला भून चुका है अच्छे से। ये मेरे कद्दू हैं, ये मैंने ऐसे काटे, इनके छिलके मैंने नहीं उतारे। इससे बहुत यम्मी और टेस्टी सब्जी बनती है, ऐसी बनती है जैसे शादियों में बनती है ना खट्टी मीठी सब्जी, वैसे ही बनेगी। आप एक बार मतलब एक बार ट्राई करिए ये वाली रेसिपी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब इतनी यम्मी और इतनी टेस्टी सब्जी बनी है, एकदम हलवाई स्टाइल की। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए 1-2 मिनट तक। ये कच्चे आम है मैंने कट करके रखे, ये भी मैंने इनके साथ ही डाल दिए। अब कच्चे आम को भी इसमें मिक्स कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए ऐसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए कच्चे आम को भी। और अब इसमें मैंने तकरीबन थोड़ा सा ये पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम कर दीजिए और अब इसको अच्छे से मिक्स करके और इसका जो लिड है कढ़ाई का वो लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से स्टीम से पक जाए। तो मैंने ये लिड लगा दिया है कढ़ाई में, ये स्टीम से अच्छे से इसको पकने देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। ये हमारी सब्जी देखिए कैसे पक रही है, ये देखिए ये हमारी सब्जी तकरीबन बन के रेडी हो चुकी है, ये गल चुकी हैं पूरी। अब मैंने इसमें थोड़ी सी मतलब बहुत 1 चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दी, चीनी अदरवाइज़ अगर चीनी आप अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड भी कर सकते हो, और इसके बजाय आप गुड़ डाल सकते हो, गुड़ अगर आप प्रीफर करते हो तो गुड़ भी डाल सकते हो आप। और ये मैंने हरा धनिया अच्छा वॉश करके चॉप कर रखा था और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके हरे धनिया का भी टेस्ट इसमें बहुत सुपर टेस्ट आता है, बहुत एनहेंस टेस्ट होता है इसका, और ये बहुत डिलीशियस लगती है सब्जी, यम्मी टेस्टी। आप इसको सब्जी को पूड़ी के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए या आप पराठे के साथ खाइए गाइस, रायते के साथ, और बहुत यम्मी लगती है, आप यकीन नहीं मानोगे इतनी टेस्टी लगती है सब्जी। ये देखिए देखने में ये बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त सब्जी बनती है गाइस, खट्टी मीठी और ऐसी ऑथेंटिक टाइप की, और जो बिल्कुल एकदम शादियों वाला फ्लेवर आएगा इसमें, जो मतलब ढाबे स्टाइल का शादियों में जो बनती है ना सब्जी कद्दू की, वो वाली सब्जी की रेसिपी है ये गाइस, एक बार आप ट्राई करिए, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी रेसिपी है। ये देखिए ये देखने में बहुत टेस्टी लगती है और खाने में भी उससे भी ज़्यादा, आपको बिलीव नहीं होगा, आप एक बार ट्राई करो। तो
ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आप ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉल्ड द प्रहान राव। और लेटेस्ट अपडेट